नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका साथी देवी सिंह। मैं इस समय सेठ जोन्स का चौराहा आगरा के पास मौजूद हूं। यहां पर एक प्रदर्शनी लगाई गई है, इस पर देखिए ये बोर्ड लगा हुआ है सेठ जोन्स चौराहे के पास में, मंडलीय खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी आगरा में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। इस प्रदर्शनी के अंदर तमाम स्टॉल लगाई गई हैं जिनको मैं अंदर दिखाऊंगा, और ये बाहर होर्डिंग लगे हुए हैं ये आप देख सकते हैं। मैं अंदर चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ प्रदर्शनी में क्या क्या वस्तु प्रदर्शित की जा रही है। ये अंदर चल के मैं आपको दिखाता हूँ साथियों, ये इसका मुख्य द्वार है। ये देखिए, आइए अंदर चलते हैं। जैसे ही आप अंदर प्रवेश करेंगे तो आपको सर्वप्रथम विशेष आगंतुक कक्ष दिखाई देगा। यह स्थायी रूप से बनाया हुआ कक्ष है और ये सामने एक अस्थायी हॉल बनाया गया है जिसे आप देख सकते हैं। इसके अंदर स्टॉल हैं जो मैं चल के आपको दिखाऊंगा। ये कोविड डेस्क भी बनाई गई है और आगे खान पान की स्टॉल भी बनी हुई है जिन्हें आप देख सकते हैं, ये आपको नजर आ रही होंगी। और ये बच्चों के झूला भी लगे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। ये वस्त्रों की स्टॉल लगी हुई है आप देख सकते हैं। ये नमकीन की स्टॉल है, बीकानेर का सुप्रसिद्ध नमकीन है, ये लिखा हुआ आप देख सकते हैं। ये वस्त्रों की रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान है। ये क्रॉकरी की स्टॉल है,
प्रदर्शनी में विभिन्न स्टालों का अवलोकन कराने के बाद मुझे एक विचित्र स्टाल नज़र आई जो कि मंडली खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी विशेष आगंतुक कच्छ के बराबर में ही लगी हुई है, इसके बराबर में ये लगी हुई है। इस स्टॉल पर केंद्रीय कारागार आगरा एवं जिला कारागार अलीगढ़ के बंदियों द्वारा कुछ वस्तुएं निर्मित की गई हैं उनके द्वारा, तो वो मैं आपको दिखा रहा हूँ जो यहाँ पर विक्रय के लिए स्टॉल पर मौजूद हैं। ये आप देख सकते हैं, ये सर्वप्रथम आप देखिए ये मंदिर है जो कैदियों के द्वारा बनाया गया है, और ये सूरेख है, ये है सूरेख, और ये देखिए ये चक्रा है, ये देखिए इन पर नाम भी लिखे हुए हैं, ये केंद्रीय कारागार आगरा के बंदियों द्वारा बनाया गया है ये, और ये आप देख सकते हैं, ये देखिए ये केंद्रीय कारागार आगरा के बंदियों द्वारा बनाई गई है ये देखिए, ये शिवलिंग है, ये शिवलिंग जो है ये भैया किन्होंने बनाई है ये शिवलिंग, ये कहाँ बनी है, आगरा, ये शिवलिंग जिला कारागार अलीगढ़ के बंदियों द्वारा बनाई गई है, और बराबर में गदा रखी हुई है, ये देख सकते हैं आप, ये गदा रखी है लकड़ी की बनी हुई है ठोस लकड़ी की, और ये बराबर में एक मंदिर है, ये भी बंदियों द्वारा बनाया गया है। इसके बाद मैं अंदर चल के दिखाता हूँ आपको, ये देखिए कितनी सुंदर कुर्सियां हैं, ये भी बंदियों के द्वारा बनाई गई हैं। अब बंदी क्या है, ये कोई ना कोई ऐसी गलती कर बैठते हैं जिसकी वजह से उनको जेल जाना पड़ता है, अन्यथा आम आदमी की तरह जीवन जीते और वो कैद में जेल के अंदर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, और वहाँ भी उनसे काम लिया जाता है। ये आप देख सकते हैं जिस बंदी को जो कर रहा था है वो करते हैं वहाँ पे। ये कुर्सियाँ बनाई गई हैं और बुनी गई हैं, ये देखिए कितनी सुंदर कुर्सी है, ये कैदियों के द्वारा ही बनाई गई है। ये देखें छोटी सी कुर्सी, केंद्रीय कारागार आगरा लिखा हुआ है इसके ऊपर, ये केंद्रीय कारागार के किसी बंदी द्वारा बनाई गई है, ये भी आगरा के बंदियों के द्वारा बनाई गई है, ये रखी हुई है। ये क्या चीज़ है, इसे क्या बोलते हैं, हैं गमला स्टैंड, ये गमला स्टैंड है, ये देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको ये, और ये देखिए तरह तरह के आइटम हैं, ये पीछे मंदिर है, भगवान का मंदिर है ये, और ये तमाम पेन स्टैंड। अच्छा अच्छा और ये भी चेयर है देखिए, लिखा है बच्चों की चेयर है जी, और ये गमला के स्टैंड है क्या, ये देखिए लोहे के हैं ये फैब्रिकेटेड, ये गमला के स्टैंड है, ये दिखा रहे हैं, ये देखिए भाई साहब आपका शुभ नाम बता देंगे क्या आप, एल के पचौरी जी हैं, तो आप कहाँ पोस्टेड हैं इस समय, सेंट्रल जेल आगरा में पचौरी जी हैं जो यहाँ पर ड्यूटी पर तैनात हैं, प्रदर्शनी में इनकी ड्यूटी लगाई गई है, जो वहाँ का कैदियों के द्वारा बनाए गए जो उत्पादन हैं उनको ये उनकी प्रदर्शनी में इनकी ड्यूटी है, और ये आप देख सकते हैं समस्त आइटम, और बाकी ये बोरे हैं इनमें रखे हुए होंगे आइटम, और ये देखिए ये खास चीज़ मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए लकड़ी के बने हुए शंख हैं ये देख सकते हैं आप,
ये बड़ी खास चीज़ है जो शायद मैं पहली बार देख रहा हूँ, लकड़ी का शंख, और इसकी कॉस्ट है 2300 रुपये। ये देखिए 2300 रुपये कॉस्ट है। बराबर में ये शिवलिंग है, ये भी लकड़ी की, ठोस लकड़ी की बनी हुई है, और इस पर कॉस्ट है ये अंकित है 750 रुपये, 750 रुपये की है ये भगवान की शिवलिंग। और ये रैक भी कैदियों के द्वारा बनाई गई है, फैब्रिकेटेड रैक, ये देख सकते हैं आप। और इधर भी देखिए ये बेंच और शूरा, ये भी कैदियों के द्वारा बनाई गई है, केंद्रीय कारागार आगरा के कैदियों के द्वारा बनाई गई है। ये शू स्टैंड है, ये आप देख सकते हैं। प्रदर्शनी में कैदियों के द्वारा निर्मित जितने भी आइटम्स हैं उनका मैंने अवलोकन कराया आपको। ये यहाँ देखिए बैनर लगा हुआ है केंद्रीय कारागार अलीगढ़ का, ये केंद्रीय कारागार आगरा इस पर लिखा हुआ है। साथियों, आपको यदि मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।